standing in the cold, cold rain. I don't even feel the pain. Anything to step away. I know we could both do better. आज करेंगे यार Pebble Cosmos Engage का रिव्यू. Hey everyone, hope you are doing well. My name is Arshad. Welcome back to my YouTube channel. तो यार बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी Pebble Cosmos Engage का रिव्यू वीडियो लाओ. तो यार ये आ गई है अपने पास स्मार्ट वॉच और इसी को आज हम करेंगे अनबॉक्स और पूरी तरीके से रिव्यू करेंगे. डिटेल रिव्यू होने वाली है ये, तो बिल्कुल भी आप लोगों को स्किप नहीं करना है. मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं जो इस स्मार्ट वॉच को बाय करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है. तो तसल्ली से बैठ जाओ, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न ले लो हाथ में और आराम से पूरी वीडियो देखो. तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिल जाएंगे आपको इस स्मार्ट वॉच में जो कि नॉर्मल स्मार्ट वॉचेस में देखने को नहीं मिलते हैं. और साथ ही साथ यहाँ पे पूरी की पूरी एप्पल वॉच अल्ट्रा का क्लोन है ये, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से बनाया गया क्लोन है ये. इसको भी हम डिटेल से चेकआउट करेंगे और सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे. अभी चलते हैं फटाफट इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं क्या क्या है बॉक्स में, कैसी दिखती है स्मार्ट वॉच. वैसे मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो इसका लॉन्च प्राइस है 2999. Pebble Cosmos Engage का बॉक्स कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा. ऊपर ही आपको वॉच की प्रिंटिंग ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है. बैक साइड में कुछ फीचर्स लिखे गए हैं जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे. अभी देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं. सबसे पहले आपको एक मैनुअल कार्ड देखने को मिल जाता है और यहाँ पे मिलता है एक वारंटी कार्ड जिसके थ्रू आप लोग ऑनलाइन वारंटी अवेल कर सकते हो. साथ ही साथ एक फ्री स्ट्रैप कार्ड भी दिया गया है, तो आप लोग ऑनलाइन यहाँ से इसे भी अवेल कर सकते हो QR कोड के थ्रू. इसके अलावा एक टेम्पर्ड ग्लास भी दिया गया है जो कि काफी सही चीज लगी मुझे, और एक वायरलेस चार्जिंग केबल देखने को मिल जाता है जो कि हुबहू आपको एप्पल चार्जर की याद दिलाएगा. और ऑब्वियसली मिलती है ये स्मार्ट वॉच जो कुछ इस तरीके की लगती है. बाकी चीजें डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे. देखने में तो ये पूरी की पूरी एप्पल वॉच अल्ट्रा ही लग रही है. सेटअप एंड एप्लीकेशन की बात करूँ तो M2 वेयर करके यहाँ पे एप्लीकेशन आती है जिसके थ्रू आप लोग इसको सेटअप कर सकते हो. बहुत इजी सा प्रोसेस है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा. ज्यादा कुछ टफ है नहीं, इजिली आप लोग इसको पेयर कर लोगे. बिल्ड एंड डिजाइन पे आते हैं यार और बात करते हैं कि इसके बिल्ड एंड डिजाइन मुझे कैसा लगा. यहाँ पे आपको पूरी एल्युमिनियम की केसिंग देखने को मिल जाती है, तो काफी ज्यादा स्ट्रांग लगती है स्मार्ट वॉच अपने आप में ही. बैक साइड में भी ग्लास फिनिश दिया गया है और जो सेंसर्स है वो सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे. इसके अलावा यहाँ पे एक बटन मिल जाता है, एक माइक मिलता है और एक मिलता है क्राउन जो कि वर्किंग है. इसके थ्रू आप लोग वॉच फेसेस चेंज कर सकते हो और मेन मेन्यू भी ऑपरेट कर सकते हो. साथ ही साथ यहाँ पे स्पीकर दिया गया है और एक पावर ऑन ऑफ का बटन भी मिल जाता है. तो ओवरऑल बिल्ड एंड डिज़ाइन इसका मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लगा और हूबहू आपको एप्पल वॉच अल्ट्रा की तरह ही इसका डिज़ाइन देखने को मिलेगा. बाकी स्ट्रैप भी आपको एप्पल वॉच अल्ट्रा टाइप वाला ही प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे, और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है. बिल्कुल भी यहाँ पे कॉस्ट कटिंग देखने को आपको नहीं मिलेगी. यहाँ तक कि इसके जो बकल्स हैं वो भी आपको मेटल के ही मिलेंगे, तो अपने आप में ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग स्मार्ट वॉच ये बन जाती है. यहाँ पे आपको 1.95 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है और डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया यार, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है. आउटडोर में भी मैंने जाके इसको चेकआउट किया और यहाँ पे ब्राइटनेस में कोई भी दिक्कत नहीं लगी. ईजिली विजिबल हो जाती है सारी चीज़ें, आप कोई भी एक्टिविटी करोगे या टाइम देखोगे सबके सब आप सनलाइट में आपको सारी चीज़ें विजिबल हो जाती है. ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी सही है, एमोलेड ना होने के बाद भी अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले यहाँ पे प्रोवाइड की गई है. इसके अलावा आप लोग कस्टम वॉच फेस भी लगा सकते हैं और कस्टम वॉच फेस की क्वालिटी आप लोग देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल, जैसा कि फ़ोन में देखने को मिलता है वैसा ही यहाँ वॉच में भी देखने को आपको मिल जाएगा. बिल्कुल भी पिक्सल रेट नहीं होती है इसकी क्वालिटी, तो ये चीज़ मुझे इसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी है. इसके अलावा आपको यहाँ पे ऑलवेज ऑन का भी सपोर्ट मिल जाता है, तो आप इसको चाहो तो ऑन ऑफ कर सकते हो. और इसकी भी ब्राइटनेस आपको यहाँ पे ठीक ठाक ही मिलेगी, बहुत तगड़ी एक्सपेक्ट मत करना. मतलब टाइम आप देख सकते हो इतना आपको ज़रूर मिल जाएगी विजिबिलिटी. अब आते हैं वॉच यूआई और की फीचर्स पे और डालते हैं उस पर एक नज़र डिटेल में. जैसे ही आप यहाँ पे ऊपर से स्वाइप करते हो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी. राइट से स्वाइप करते ही वॉच फेसेस चेंज होते हैं यहाँ पे, तो विजेट के शॉर्टकट्स नहीं मिलेंगे आपको. वॉच फेसेस हाँ ज़रूर चेंज कर सकते हो. इसके अलावा क्राउन से भी वॉच फेसेस चेंज हो जाते हैं. साथ ही साथ नीचे से स्वाइप करते ही आप सेटिंग में आ जाते हो और यहाँ पे आपको सेटिंग के काफ़ी सारे शॉर्टकट्स मिल जाएंगे. ब्लूटूथ, मेन्यू स्टाइल, स्क्रीन लॉक, हार्ट रेट, स्पोर्ट्स मोड, कैलकुलेटर और वेदर अपडेट. तो यहाँ पे ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं. इसके अलावा यहाँ लेफ्ट से स्वाइप करते हैं यहाँ पे रिसेंट ऐप देखने को मिल जाएगी आपको. क्रॉन प्रेस करते ही आप मेन मेन्यू में आ जाओगे और यहाँ पे वो सारे फीचर्स मिल जाएंगे जो इस स्मार्ट वॉच में दिए गए. फीचर्स की बात करूँ तो डायल मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट है, कॉल लॉग है, मतलब कॉलिंग के फीचर्स आपको सबसे ऊपर ही मिल जाएंगे. उसके बाद नोटिफिकेशन, स्पोर्ट्स मोड, यहाँ पे मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं. स्टेप्स मिल जाएगा, जो भी आप एक्टिविटी करते हो वो आ जाएगा. स्लीप मॉनिटर है, इसके साथ हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ब्लड ऑक्सीजन, ब्लूटूथ कैमरा,
ब्लूटूथ म्यूज़िक, फाइंड फ़ोन, वेदर, वाटर रिमाइंडर, स्टॉप वॉच, कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर जैसे काफ़ी यूज़फुल फीचर्स भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अलार्म सेटिंग, मेन्यू स्टाइल, ब्राइटनेस, QR कोड रीसेट, जेन मोड, इसके अलावा यहाँ पे 3 गेम्स भी दिए गए हैं, तो टाइम पास के लिए चाहो तो खेल सकते हो। वैसे बड़ी स्क्रीन है, मज़ा ही आएगा आपको खेलने में। रेस टू वेकअप है, टॉर्च है, तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं, इसके कुछ की हाइलाइट्स हैं। वही बात करूँ मैं बैटरी बैकअप की, तो यार 7 डेज़ का यहाँ पे कंपनी क्लेम कर रही है, बट मेरे हिसाब से आपको 3 दिन का बैटरी बैकअप देगी ये मुश्किल से, और कॉलिंग के साथ 1 दिन का ही बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। वाटर रेजिस्टेंट में भी यहाँ पे IP67 की रेटिंग ही दी गई है, ज़्यादा यहाँ पे आप लोग पानी में यूज़ नहीं कर सकते हो इसको, तो बचा के ही यूज़ करना पड़ेगा आपको। पर चलते हैं, इस स्मार्ट वॉच की एक्यूरेसी टेस्ट भी कर ही लेते हैं यार। तो अभी हम इसका पहले हार्ट रेट टेस्ट करेंगे और देखेंगे कितनी एक्यूरेसी प्रोवाइड करती है, और ऑक्सीमीटर से भी मैं साथ ही साथ कंपेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, तो अभी आप लोगों के सामने डेटा यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हार्ट रेट में ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ एक रीडिंग का ही फर्क देखने को मिलता है। फटाफट अब ब्लड ऑक्सीजन मतलब SpO2 भी चेकआउट कर लेते हैं। तो स्मार्ट वॉच और ऑक्सीमीटर में आपको 2-3 रीडिंग का फर्क देखने को मिल जाएगा। तो अभी चलते हैं और कॉलिंग भी इसका टेस्ट कर ही लेते हैं और देखते हैं कॉलिंग क्वालिटी कैसी है इसकी, सामने वाले को आवाज़ कैसी जाती है और हमको उसकी आवाज़ कैसी आती है। हेलो, हाँ भाई, क्या हाल है? हाँ भाई, बढ़िया बढ़िया। आवाज़ सही आ रही है क्या मेरी? हाँ, आवाज़ तो क्लियर है। ऐसे फ़ोन जैसी आ रही है या अलग आ रही है थोड़ी? नहीं, ज्यादा फर्क तो समझ में नहीं आ रहा, मतलब मुझे लगा नहीं कि व्हाट्सएप कॉल किया तूने। अच्छा, होप करता हूँ आप लोगों को कॉलिंग क्वालिटी का एक अंदाजा मिल गया होगा, मुझे जरूर से बताना कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ये, तो भर दो कमेंट सेक्शन और बताना जरूर। बातें कंक्लूजन पे और बात करते हैं आप लोगों को ये एप्पल वॉच अल्ट्रा का क्लोन यानी कि पेबल कॉस्मोस एंगेज लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो देखो यार, 2999 में बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है ये, जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है ना और जो इसका लुक एंड फील है, मतलब अभी जब से मैंने इसको पहना है काफ़ी लोग मुझसे पूछ चुके हैं भाई एप्पल वॉच अल्ट्रा ले ली क्या, तो यार हूबहू आपको एप्पल वॉच अल्ट्रा की यहाँ पे फील देने वाली है स्मार्ट वॉच। तो 3,000 रुपये में वर्थ बाइंग है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ले सकते हो आप लोग। बट हाँ, एज अ हेल्थ इक्विपमेंट या फिर स्पोर्ट्स मोड के लिए अगर आप लेना चाह रहे हो तो मैं इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी अगर एक स्टाइलिश स्मार्ट वॉच चाहिए, एप्पल वॉच अल्ट्रा का क्लोन चाहिए और साथ ही साथ कॉलिंग क्वालिटी बढ़िया चाहिए, तो डेफिनेटली आप लोग इस स्मार्ट वॉच को बाय कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। तो बस यार, यही थी आज की वीडियो, होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके जाना यार। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।